पंडित रामकृष्ण, आप हमें वचन दीजिए कि आप महाराज से कोई भी कठिन प्रश्न नहीं पूछेंगे। उचित है गुरुवर, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं महाराज से कोई भी कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा। बहुत अच्छे, अत्यंत कठिन प्रश्न पूछूंगा। क्या क्या कहा? भी मैंने कहा कुछ कहा है? जो भी कहूंगा दरबार में कहूंगा, विलंब हो रहा है। चलिए चलिए। पंडित रामकृष्ण महाराज, इस समय राज दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में केवल एक ही कौतूहल है कि आप हमसे क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। आप इन सब की जिज्ञासाओं पर, इन सब के अनुमानों पर विराम लगाइए और हमारी परीक्षा आरंभ कीजिए। रुकिए पंडित रामकृष्ण, इसे पूर्व कि आप महाराज से कोई प्रश्न पूछे, मैं एक उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। संपूर्ण विजयनगर को ज्ञात है कि पंडित रामकृष्ण और महाराज में कितनी मित्रता है, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि जो प्रश्न पंडित रामकृष्ण आपसे पूछेंगे उसका उत्तर आपसे पहले से ज्ञात नहीं होगा? संपूर्ण विजयनगर यह जानता है कि हमारे लिए और पंडित रामकृष्ण के लिए विजयनगर और विजयनगर के संविधान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अतः आज पंडित रामकृष्ण आप सबके समक्ष इस राज्यसभा में विजयनगर के संविधान पर हाथ रखकर ये सौगंध खाएंगे कि वो अपनी पूरी निष्ठा, योग्यता और सत्यता के साथ हमारी परीक्षा लेंगे। मैं पंडित रामकृष्ण विजयनगर के संविधान पर हाथ रख कर ये सौगंध लेता हूँ कि नीति, विधि, सत्यता और निष्पक्षता से महाराज की परीक्षा लूंगा। पंडित रामकृष्ण, अपनी परीक्षा आरंभ कीजिए। जी महाराज। महाराज, मैं आपसे एक नहीं अपितु तीन प्रश्न पूछूंगा। क्या पूछने वाले हैं पंडित रामकृष्ण? क्योंकि मैंने आपकी परीक्षा को तीन खंडों में विभाजित कर दिया है। ये वो तीन स्तंभ होंगे जो ये सिद्ध करेंगे कि आप इस राज सिंहासन पर बैठने योग्य हैं अथवा नहीं। और यदि आप इस परीक्षा के तीनों खंडों के सही उत्तर देकर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। प्रथम संकट काल, दूसरा संयम और तीसरा विश्वास। पंडित रामकृष्ण, हमें आपकी परीक्षा के ये तीनों खंड स्वीकार है, पूछिए। जी महाराज, मेरा पहला प्रश्न संकट काल से है जिसमें मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आप संकट काल में भी विचलित ना होकर एक उचित निर्णय लेने वाले योग्य शासक सिद्ध होंगे। उचित है, पूछिए। जी महाराज। महाराज, कल्पना कीजिए कि आप दोनों महारानियों में से किसी एक महारानी के साथ नौका विहार पर जाते हैं जिसमें आपके साथ एक आम मनुष्य भी है, अर्थात कोई भी विजयनगर वासी। कुछ समय पश्चात आप देखते हैं कि उस नौका में एक छेद हो गई है और नौका में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपने प्राणों की रक्षा करने का बस एक ही मार्ग बचता है, वो है तैर करके नदी को पार करना। किंतु समस्या ये है कि आपको तो तैरना आता है, किंतु महारानी को और उस आम मनुष्य को तैरना नहीं आता। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि आप उन दोनों में से केवल एक को ही नदी पार करवा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में
आप क्या करेंगे महाराज? किसके प्राणों की रक्षा करेंगे, महारानी की या उस आम मनुष्य की? एक ओर राजधर्म है और एक ओर पत्नी धर्म। आप किसका निर्वाहन करेंगे महाराज? हमारी? हे पंडित रामकृष्ण, क्या हो गया है? अश्वगंधा का सेवन किया कीजिए आप, ये जो आपकी बुद्धि है संतुलित रहेगी। ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, ये भी कोई प्रश्न हुआ के? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण का प्रश्न उचित है। इस समय हमें इनके इस परीक्षा में अवरोध उत्पन्न नहीं करना है, अपितु इन्हें परीक्षा लेने में सहायता करनी है। जी महाराज। जी क्षमा करें महाराज, मैंने आपसे एक ऐसा प्रश्न किया है जो धर्म संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु मैंने ऐसा प्रश्न आपसे इसलिए किया क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपने विजयनगर की प्रजा की रक्षा करने की सौगंध खाई है। तो दूसरी ओर विवाह के समय महारानी को भी सौगंध दी है कि आप उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। अतः एक महाराज के लिए परीक्षा के लिए इससे उत्तम प्रश्न कोई नहीं हो सकता था। महाराज, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 8 प्रहर अर्थात 1 दिवस की समय अवधि देता। कल इसी समय दरबार में आपसे इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित रहेगा, उसके पश्चात मैं आपसे दूसरा प्रश्न करूंगा। उचित है पंडित रामकृष्ण, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे, तब तक के लिए सभा समाप्त। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव बंद कीजिए जय जयकार। आप पूरा भूल रहे हैं कि अभी तक इनका राज्य अभिषेक नहीं हुआ है, और जब तक इनका राज्य अभिषेक नहीं हो जाता ये राजा नहीं हो सकते। शांत रहिए आप वेंकटेश बाबाई, शांत रहिए आप। हमारे महाराज थे, हमारे महाराज हैं और हमारे ही महाराज रहेंगे। हाँ, हमारे महाराज हैं हम सबके। शांत। गुरुवर, वेंकटेश बाबाई का तर्क उचित है, इसलिए जब तक हम पंडित रामकृष्ण द्वारा दी गई इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते और हमारा राज्याभिषेक नहीं हो जाता, तब तक आप में से हमें कोई भी महाराज कहकर संबोधित नहीं करेगा। ये क्या कह रहे हैं महाराज? हे देवी माँ, कैसा समय आ गया है कि मैं अपने महाराज को महाराज कह के भी संबोधित नहीं कर सकता। वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सफल होंगे, किंतु तुम फिर भी अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना माँ, अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना। क्या हुआ अम्मेश्वरी? महाराज से इतना कठिन प्रश्न पूछ के मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ? ए बंधु, रामा फिर से धुलाई के लिए तैयार हो जा।
तो महाराज फिर क्या विचार किया आपने? किस विषय में? कि आप किसके प्राणों की रक्षा करेंगे, उस आम मनुष्य की या हम दोनों महारानियों में से जो भी उस नौका में सवार है उसकी? बताइए महाराज, बताइए बताइए। बताते हैं अब। सोच क्या रहा है, पता किसे बचाएगा? यदि हम दोनों एक नौका में हुए और वो डूब रही हो तो किसे बचाएगा तू, अपनी माँ को या अपनी पत्नी को? किसे बचाऊंगा? आप अपनी माँ को बचाऊंगा जिसने मुझे जीवन दिया है, है कि नहीं? और अपनी पत्नी को भी बचाऊंगा जिसने उस जीवन को इतना सुखमय बना दिया है। मैं दोनों को बचाऊंगा क्योंकि मैं दोनों को बचा सकता हूँ। ना, 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 ना। प्रश्न ये नहीं है कि आप कितनों को बचाएंगे, प्रश्न ये है कि यदि हम दोनों में से किसी एक को बचाना हो तो किसे बचाएंगे आप, अम्मा को या हमें? हाँ, हमने ये निर्णय लिया है कि हम तो दोनों को ही बचा लेंगे, क्योंकि आप दोनों को तो तैरना आता है, समस्या अपने आप सुलझ गई। हाँ। चल चल चल। किंतु ये तो छल है ना? नहीं नहीं नहीं, ना छल से ना बल से, आपको ये बताना ही होगा कि आप दोनों में से किसके प्राणों की रक्षा करेंगे। हाँ, छल तो है। कहाँ फंस गया, अब क्या उत्तर दूं? इतना क्या सोच रहा है, शीघ्र बता किसे बचाएगा, माँ को या पत्नी को? नहीं बता सकता। अम्मा देखिए कह रहे नहीं बता सकता। हाँ, नहीं बता सकता क्योंकि मैं विवश हूँ, क्योंकि मैंने यदि इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो महाराज को भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और मैंने विजयनगर के संविधान पर हाथ रखकर ये सौगंध खाई है कि ना तो कोई छल करूंगा और ना ही कोई छल होने दूंगा। छल ही तो नहीं करना चाहते हम, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस प्रश्न का उत्तर कल राजदरबार में सबके सामने देंगे। ठीक है, किंतु स्मरण रहे महाराज, यदि राजदरबार में आपने हम दोनों रानियों में से किसी एक का नाम नहीं लिया ना, तो हम आपसे रुष्ट हो जाएंगे और सदैव के लिए अपने मायके चले जाएंगे। हाँ। कल तो पता चल ही जाएगा ना। महाराज की जीवा पर विराजमान होकर सही उत्तर दिलवा दीजिए। महाराज, संपूर्ण दरबार आपका उत्तर सुनने के लिए उत्सुक है। अवश्य पंडित रामकृष्ण, अपनी रानियों से विवाह करते समय हमने पवित्र अग्नि के समक्ष ये सौगंध ली थी कि सदैव अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करेंगे। उसी प्रकार विजयनगर के राज सिंहासन पर आसीन होते समय भी हमने राज्याभिषेक के समय यह सौगंध ली थी कि सदैव अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करेंगे। परंतु पंडित रामकृष्ण द्वारा दी गई इस परीक्षा में हमें अपने अतिरिक्त नौका में सवार दो में से केवल एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करनी है, अतः हम अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा ना करते हुए अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करेंगे। यदि बात संबंधों की आती है तो सर्वप्रथम हम विजयनगर के महाराज हैं, तत्पश्चात अपनी रानियों के पति, और स्मरण रहे उस नौका में भी इन रानियों के पति के साथ साथ महाराज भी सवार हैं।
अब यदि ये एक पति का परम कर्तव्य है कि वो विषम से विषम परिस्थिति में भी अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करे, तो वहीं एक राजा का परम कर्तव्य ये है कि वो कठिनतम परिस्थितियों में अपनी प्रजा को सुरक्षित रखे। किंतु इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौका में बैठी हमारी वो रानी हमारी प्रजा भी है, और यदि राजा वचनबद्ध है अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए, तो वो केवल किसी एक के प्राणों की रक्षा क्यों करेगा? वो दोनों के प्राण बचाएगा, क्योंकि दोनों ही उसकी प्रजा है। सत्य वचन। अद्भुत महाराज, अद्भुत, अत्यंत ही बुद्धिमत्ता युक्त उत्तर दिया आपने। किंतु यदि एक राजा के समक्ष ऐसी ही परिस्थिति खड़ी हो जाए तो दोनों के प्राणों की रक्षा करना कैसे संभव होगा? पंडित रामाकृष्णा, वो राजा ही क्या जो ऐसी परिस्थिति में केवल किसी एक के प्राणों की रक्षा करे? कैसे संभव है ये हम बताते हैं। सर्वप्रथम हम उन दोनों को नदी में फेंक देंगे। तत्पश्चात हम स्वयं भी नदी में कूद जाएंगे और नौका को उल्टा कर देंगे। परंतु क्यों महाराज? वो इसलिए महारानी कि उल्टी नौका कभी डूबती नहीं है, अपितु जल सतह पर तैरती रहती है। उसके पश्चात हम इन दोनों को, यानी कि अपनी रानी को और अपनी प्रजा के उस नागरिक को, उल्टी नौका के ऊपर बिठा देंगे और स्वयं तैरते हुए नौका के पीछे आएंगे और उसे धकेलते हुए नदी के तट पर सुरक्षित ले जाएंगे। सुन लिया आप सबने, इसे कहते हैं बुद्धिमता। कितना उपयुक्त उत्तर दिया है आपने इस प्रश्न का भी, और ऐसे प्रश्न पूछने वाले को भी। धन्य है महाराज आप, धन्य है। ऐसी संकट की घड़ी में आपका ऐसा निर्णय लेना ये दर्शाता है कि संकट काल में भी अडिग रहना और उचित निर्णय लेने की सामर्थ्यता आप में है, जो कि एक राजा के तीन स्तंभों में से एक है। संकट काल की इस परीक्षा में आप सफलतापूर्वक सफल हुए महाराज। अब इससे पूर्व कि मैं आपकी अगली परीक्षा लूं और आपसे प्रश्न पूछूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी प्रजा में से यदि कोई व्यक्ति आपके समक्ष अपनी एक इच्छा प्रकट करे, तो क्या आप उसकी वो इच्छा पूर्ण करेंगे? अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ति करना एक राजा का कर्तव्य है, परंतु उस इच्छा को पूर्ण करने से पूर्व राजा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस इच्छा के पूर्ण होने से कहीं प्रजा या राज्य को कोई हानि तो नहीं पहुंचती। सत्य वचन। महाराज, मेरा मित्र चित्रंजन मात्र एक क्षण के लिए राजा बनना चाहता है, क्या आप इसकी इच्छा पूर्ण करेंगे?